हाँ बिल्कुल, जैसे जो मानसून है वो 24 जून को अप्रोच किया था, लेकिन उसके बाद जो बारिश है वो बहुत कम रही। जो बारिश है वो आइसोलेटेड या स्कैटर बेस पे होती रही, और अभी जो मानसून है वो दोबारा से एक्टिव होगा। आज भी हिमाचल प्रदेश के स्कैटर बेस पे बारिश रहेगी, खास करके मिड हिल्स और हाई हिल, जो लो हिल्स वाले इलाके हैं यहाँ पे बारिश जो है वो स्कैटर बेस पे हो सकती है। जो ऊपर के इलाके हैं वहाँ पे जो अपने आइसोलेटेड प्रेशर पे ही बारिश रहेगी, ज़्यादा नहीं होगी। जो बारिश मेन है वो मिड हिल्स और लो हिल्स वाले इलाकों में होगी। कल भी जो है वो स्कैटर्ड रहेगी, लेकिन उसके बाद 5 तारीख से जो है वो अपने फेली वाइड स्प्रेड एरिया पे बारिश जो हो सकती है, और उसके बाद भी जो बारिश है वो बढ़ेगी। तो अभी जो वार्निंग भी रहेगी, जो परसों से वार्निंग दी हुई है, और 5 और 6 तारीख को जो वार्निंग है वो का जो वार्निंग है इसमें जो थंडर की या लाइटनिंग ही रहेगी, लेकिन उसके बाद 7 तारीख को हिमाचल प्रदेश के कुछ एक इलाकों में हैवी बारिश भी हो सकती है। हैवी बारिश जो वो हिमाचल प्रदेश के जो इलाके हैं उसमें डिस्ट्रिक्ट शिमला, सिरमौर, सोलन, मंडी, कांगड़ा और जो अपना जो चंबा का एरिया है यहाँ पे जो ज़्यादा पॉसिबिलिटी रहेगी। तो जो खास करके जो मिड बेल्ट है जो उसमें जो ज़्यादा बारिश होने की उम्मीद है, उसके बाद भी जो बारिश है वो लगातार जारी रहेगी। 24 घंटों के दौरान क्या स्टेटस है सर, और तापमान में कितना गिरावट हुई है, और क्या इस बार मॉनसून नॉर्मल रहने वाला है या ज़्यादा रेन होगी? हाँ अभी जो लास्ट 24 आवर में ज़्यादा बारिश नहीं हुई थी, डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में ही बारिश रिकॉर्ड की गई थी, और अभी जो बारिश है वो रहेगी आने वाले दिनों में। और जो मानसून की बारिश है वो जैसे कि फोरकास्ट की गई थी कि जो नॉर्मल बारिश रह सकती है या नॉर्मल से ज़्यादा रहेगी, तो वही फोरकास्ट है। लेकिन जो जून का महीना देखें तो जो जून में जो बारिश है वो 35% जो है वो कम रही थी। हाँ बिल्कुल, जैसे जो मानसून है वो 24 जून को अप्रोच किया था, लेकिन उसके बाद जो बारिश है वो बहुत कम रही। जो बारिश है वो आइसोलेटेड या स्कैटर बेस पे होती रही, और अभी जो मानसून है वो दोबारा से एक्टिव होगा। आज भी हिमाचल प्रदेश के स्कैटर बेस पे बारिश रहेगी, खास करके मिड हिल्स और हाई हिल, जो लो हिल्स वाले इलाके हैं यहाँ पे बारिश जो है वो स्कैटर बेस पे हो सकती है। जो ऊपर के इलाके हैं वहाँ पे जो अपने आइसोलेटेड प्रेशर पे ही बारिश रहेगी, ज़्यादा नहीं होगी। जो बारिश मेन है वो मिड हिल्स और लो हिल्स वाले इलाकों में होगी। कल भी जो है वो स्कैटर्ड रहेगी, लेकिन उसके बाद 5 तारीख से जो है वो अपने फेली वाइड स्प्रेड एरिया पे बारिश जो हो सकती है, और उसके बाद भी जो बारिश है वो बढ़ेगी। तो अभी जो वार्निंग भी रहेगी, जो परसों से वार्निंग दी हुई है, और 5 और 6 तारीख को जो वार्निंग है वो का जो वार्निंग है इसमें जो थंडर की या लाइटनिंग ही रहेगी, लेकिन उसके बाद 7 तारीख को हिमाचल प्रदेश के कुछ एक इलाकों में हैवी बारिश भी हो सकती है। हैवी बारिश जो वो हिमाचल प्रदेश के जो इलाके हैं उसमें डिस्ट्रिक्ट शिमला, सिरमौर, सोलन, मंडी, कांगड़ा और जो अपना जो चंबा का एरिया है यहाँ पे जो ज़्यादा पॉसिबिलिटी रहेगी। तो जो खास करके जो मिड बेल्ट है जो उसमें जो ज़्यादा बारिश होने की उम्मीद है, उसके बाद भी जो बारिश है वो लगातार जारी रहेगी। 24 घंटों के दौरान क्या स्टेटस है सर, और तापमान में कितना गिरावट हुई है, और क्या इस बार मॉनसून नॉर्मल रहने वाला है या ज़्यादा रेन होगी? हाँ अभी जो लास्ट 24 आवर में ज़्यादा बारिश नहीं हुई थी, डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में ही बारिश रिकॉर्ड की गई थी, और अभी जो बारिश है वो रहेगी आने वाले दिनों में। और जो मानसून की बारिश है वो जैसे कि फोरकास्ट की गई थी कि जो नॉर्मल बारिश रह सकती है या नॉर्मल से ज़्यादा रहेगी, तो वही फोरकास्ट है। लेकिन जो जून का महीना देखें तो जो जून में जो बारिश है वो 35% जो है वो कम रही थी।